हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली देखा था एंगल्स के कंसेप्ट के बारे में, आज हम लोग उसी में आगे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली 1 रेडियन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो बोलता है, समझिएगा, बोलता है 1 रेडियन इज डिफाइंड एज the angle subtended by an arc on the center of circle in such a way that the arc length is equal to the radius of circle। बोलता है बच्चा कि 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं। बोलता है 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्किल। इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक सर्किल के द्वारा सेंटर पे बनाया जाने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाता है। एक आर्क है, ये ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क के द्वारा सेंटर ओ पे बनाए जाने वाला एंगल कहलाता है 1 रेडियन। तब कहलाएगा 1 रेडियन जब इसका आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो जाए, यानी जो रेडियस है वही इसका आर्क लेंथ है, तब ये कहलाता है 1 रेडियन। 1 रेडियन कब बोलेंगे, जब आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो जाए, यानी जो इसका लेंथ है वही आर्क लेंथ का भी लेंथ होगा, तब ये कहलाएगा 1 रेडियन। इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये हमेशा क्या होता है बच्चा, कॉन्स्टेंट होता है, यानी 1 रेडियन हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो आपको समझ में आया 1 रेडियन किसको कहते हैं, 1 रेडियन उस एंगल को कहते हैं जो एक सर्कल में एक आर्क के द्वारा बनाया जाए इस तरह से कि जो रेडियस है वही आर्क लेंथ हो जाए। अब इसमें सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये रेडियस के बराबर आर्क लेंथ हो गया तो ये एंगल 1 रेडियन हो जाएगा, ये भी एंगल 1 रेडियन, बहुत बड़ा सर्कल बना दीजिए तो भी एंगल 1 रेडियन होगा। शर्त ये है कि आर्क लेंथ जो है वो बराबर होना चाहिए, किसके, रेडियस के बराबर होना चाहिए। आई होप 1 रेडियन समझ में आया होगा आपको। छापी बाबू आगे बात करते हैं। चलिए हम लोगों को बात करना है, रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर के बीच में रिलेशन। कोई एक सर्कल है बाबू, इस सर्कल के अंदर में अगर कोई सेंटर पे एक आर्क लेंथ थीटा, इस लेंथ आर्क लेंथ एल है और ये आर है, ये थीटा सी होता है, ठीक है। सर्कुलर फंक्शन में जब भी बात करेंगे थीटा सी में बात करेंगे, तो थीटा सी में जब ये होगा तो इसका रिलेशन होता है थीटा सी इज इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला होता है थीटा सी इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी थीटा यहाँ पे एंगल जो है वो रेडियन में है, एल क्या है, एल है, वेयर एल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, क्या है, आर्क लेंथ है, और आर जो है मेरा बेसिकली वो रेडियस है, ठीक है। और ये जो थीटा सी है दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोलिए कोई दिक्कत है बच्चा, समझ में आए बात। तो ये थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इस पे हम लोग अभी प्रॉब्लम करने वाले हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर पे, लेकिन ध्यान हमेशा याद रखेंगे थीटा यहाँ जब भी पुट करेंगे तो रेडियन में पुट करेंगे, और आंसर भी जो आएगा अगर एल और आर पुट करके थीटा निकालना हो तो वो भी रेडियन में ही निकलेगा। समझ में आई बात, छापिए आगे बात करते हैं। अब उसी फॉर्मूले पे दो क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों बनाते हैं। पहला बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसमें रेडियस फाइंड करना है, इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब इसमें हम लोग जब बात करेंगे तो हमारे पास थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, अभी डिग्री में बाबू, थीटा को किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा कितना आएगा, पाई बाई 4, यानी ये मेरा हो गया थीटा किसमें, रेडियन में चेंज हो गया। उसके बाद हमको आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है, 33 सेंटीमीटर मेरा आर्क लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली रेडियस निकालना है, तो थीटा सी इज इक्वल टू, मैंने अभी पढ़ाया आपको एल बाई आर होता है, थीटा सी इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा सी कितना है, पाई बाई 4, एल कितना है 33, और आर क्या है बाबू, तो आर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 33 इंटू 4 बाई पाई, नीचे आएगा पाई, ठीक है।
तो अब यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे 33 इंटू 4 इंटू 7 बाई 22, पाई का वैल्यू 22 बाई 7 होता है, यहाँ से काटेंगे 2, यहाँ से काटेंगे 3, यहाँ से काटेंगे 2, तो कितना आ जाएगा बाबू, 3 दूनी 6, 66, 42, यानी रेडियस आ गया मेरा 42 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो L दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था और R निकालना था। थीटा को सबसे पहले हमने पाई पाई 4 यानी रेडियन के फॉर्म में चेंज कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। जिन लोगों को ये नहीं आता, पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप रेडियन से चेंज करते हैं। बोलता है यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ निकालना ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चा मेरा, इस क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। सबटेंड एंड एंगल थीटा बराबर कितना है, 36 डिग्री। अब 36 को अब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 36 इंटू पाई बटा 180। ठीक है, पाई बटा 180 कट करेंगे, 12 से काटते हैं, 12 किया 36 और सॉरी 12 से काट दिया मैंने, आप इसको एक काम कीजिए 9 से काटिए, 9 फोर 36 और 9 टू जा, ठीक है, फिर इसको कट करेंगे, 5 टाइम्स कट होगा, ठीक है, यानी पाई बाई 5 आएगा। तो मेरे पास एंगल जो है थीटा सी आ गया पाई बाई 5, ठीक है, पाई बाई 5 आ गया बाबू। अब क्या करेंगे हम लोग, आर पता है, थीटा पता है, एल निकालना है। थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, ये कितना है पाई बाई 5, एल कितना है नहीं पता, आर कितना है 14, 14 मेरा रेडियस दिया होता, तो ये आके मल्टीप्लाई होगा, पाई की वैल्यू रखेंगे 22 इंटू 14 बटा 7 इंटू 5 इज इक्वल टू एल। अब आप यहाँ से काट लीजिए, काट करके आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से इसको काटिएगा दो बार में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 44 बटा 5 इज इक्वल टू एल, पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, छापिए फिर, ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे। आई बाबू एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं फाइंड द एंगल इन रेडियन एज वेल एज इन डिग्री। बोल रहे हैं फाइंड द एंगल इन रेडियन एज वेल एज डिग्री, हमको एंगल निकालना है रेडियन और एज वेल एज डिग्री में। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 45 सेंटीमीटर टिप डिस्ट्रैक्ट एन आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर। समझिए, पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है, वो घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम होता है, इस तरह से पेंडुलम जो लटकता है ऐसे, ठीक है, ये पेंडुलम है। बोला पेंडुलम का जो लेंथ है आपका बेसिकली वो 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर का एक पेंडुलम का लेंथ है, ये स्विंग कर रहा है, ये कभी इधर आएगा ऑब्वियस सी बात है इस तरह से, ठीक है, फिर इधर जाएगा स्विंग करके, है ना, ऐसे स्विंग करता है। तो जब ये स्विंग कर रहा है बाबू मेरा, इस तरह से ये स्विंग कर रहा है, ये इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, तो ये जो स्विंग कर रहा है, ये बोल रहा है क्या कि इसका जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है और इसका जो टिप है, टिप वो 11 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है, यानी ये टोटल आर्क कितना बना रहा है, 11 सेंटीमीटर का। तो आपको ये एंगल थीटा बताना है। तो बेसिकली जो टिप बना रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एल और दिस इज कॉल्ड आर। यानी बेसिकली बच्चा मेरा कि आपके पास रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड थीटा सी। आप लोगों को क्या फाइंड करना है, थीटा सी फाइंड करना बच्चा। तो थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, ठीक है। तो बेसिकली एल बाई आर मतलब 45 बटा 11 इज योर थीटा सी का आंसर। रेडियन में तो ये आंसर हो जाएगा, 45 बटा 11 कटेगा तो नहीं। अब इसको बोल रहा है डिग्री में चेंज कीजिए, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको बताया मैंने, याद कीजिए पिछले क्लास, डिग्री में चेंज करने के लिए 45 बटा 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 बटा पाई से, ठीक। तो थीटा डिग्री में चेंज करने के लिए 45 इंटू 180 बटा 11 22 इंटू 7, सबको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, कुछ आएगा डिग्री पॉइंट मिनट में, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, छापिए इसको। वैसे कैलकुलेटर पे इसको रखिएगा तो इसका वैल्यू जो है वो 14 डिग्री आ रहा है, वो कैलकुलेटर पर रख के चेक कर लीजिएगा, 14 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व करते हैं और ये सब सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर आपको पूरा अलाउड है एग्जाम में, कैलकुलेटर खरीद लीजिए। और कैलकुलेटर चलाना सीखना है तो मैंने आपको बताया है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे कैलकुलेटर की सारी वीडियो अवेलेबल है, जाके वहां पे देख सकते हैं कि कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो इसको छापिए फिर आगे बात करते हैं। आइए देखिए बच्चा एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। बोला है द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का जो लार्ज हैंड होता है, बेसिकली इस तरह का क्लॉक होता है, इसका जो लार्ज हैंड है मतलब मिनट हैंड, बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, मिनट हैंड के बारे में बात कर रहा है।
42 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी इसकी रेडियस कितनी है 42 सेंटीमीटर, रेडियस है 42 सेंटीमीटर, यही जो लॉन्ग है ना रेडियस को दिखा रहा है, 42 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। बोला हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मतलब होता है एंड पॉइंट, एक्सट्रीमिटी किसको बोलते हैं एंड पॉइंट को, बोलता है हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स, मतलब इसका जो एक्सट्रीमिटी है वो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा, कितना सेंटीमीटर कवर्ड करेगा। बाबू मेरा 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 12 से अगर स्टार्ट करेगा तो 4 पे आएगा तो 20 मिनट्स पूरा होगा, फेल होता है 20 मिनट्स, तो इस 20 मिनट्स में ये कितना एल बनाएगा, कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा इन सेंटीमीटर, यही हम लोगों को फाइंड करना है। हमको सिर्फ क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे, आपको पता है कि जब ये मिनट हैंड एक पूरा घूमता है 360 डिग्री तो कितना घंटा बनाता है, 1 आवर, 1 आवर में कितना डिग्री का एंगल बनता है, यहां से स्टार्ट करेगा ऐसे पूरा घूम करके फिर से यहां आ जाएगा तो कितना डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का, कितने घंटे में, एक घंटे में, एक घंटा मतलब 60 मिनट्स में, तो लिखेंगे बच्चा इन 60 मिनट्स इट मेक एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। बोला 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 360 का, तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगा बच्चा, 360 बटा 60 कट गया, ठीक है कितना आ गया, काटिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना, बेसिकली यहां से कितना आ गया मेरा 6। अब हमको कितना मिनट में चाहिए, 20 मिनट में, 20 मिनट में कितना बनेगा, तो 20 इंटू 6 दैट इज 120, 6 × 12 हो गया, 120 डिग्री एंगल ये बनाएगा, कितने देर में, 20 मिनट में, एक घंटे में कितना बनाता है 360, तो 20 मिनट में कितना बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, समझिए आगे। अब एंगल तो हमको निकल गया, लेकिन ये है किसमें, थीटा में है, हमको किसमें चाहिए, रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से कट गया, इससे कटेगा तो आएगा 2π/3। अब बच्चा मेरा हम जानते हैं थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है, एल बटा आर, यानी एल कितना है, पहले थीटा सी देखिए, थीटा सी कितना है 2π/3, एल तो हमको निकालना है, आर कितना है, आर 42, तो एल फाइंड आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 20 2 × 42 / 3 × 7, है ना, ठीक है। अब देखिए कट के कौन कौन कट रहा है, 7 × 6 = 42, 3 से कटेगा 2 तो हो गया 4 और ये 88 सेंटीमीटर आंसर होगी, ठीक है समझ आ रही बात। तो इस तरह से कभी भी मिनट हैंड या आवर हैंड वाला देगा तो इसी तरह से एंगल से हम लोग फाइंड आउट करके उसका डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं, और थीटा की जगह पे थीटा एल या आर जो भी दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा, वो फाइंड आउट कर लेंगे, समझ आ रही बात। छापी आयो, वो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोला है ए व्हील मेक्स 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो हाउ मेनी रिवोल्यूशन इट टेक्स इन 1 सेकंड। बोला है एक व्हील है, व्हील समझते हैं इस तरह से चक्का होता है, ठीक है इस तरह का व्हील है, ठीक है इस तरह का व्हील है, ठीक है मेरा एक चक्का है, एक व्हील है। बोला बच्चा ये व्हील जो है एक मिनट में 180 रिवोल्यूशन करता है, मतलब 180 बार घूम जाता है। वन रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इस जगह से स्टार्ट किया है और फिर ये घूम करके कंप्लीटली यहीं पे आ जाए, ऐसे घूमे पूरा और घूम के फिर यहीं पे आ जाए, तो वन रिवोल्यूशन हुआ। तो वन रिवोल्यूशन करता है एक मिनट में 180 रिवोल्यूशन करता है, तो बताइए कि एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा, तो एक मिनट में कितना, हाउ मेनी रेडियंस, मतलब रिवोल्यूशन ही पूछ रहा है, हाउ मेनी रेडियंस, कितना एंगल बना लेगा 1 सेकंड में। तो बाबू मेरा देखो एक चीज समझो, जब ये 1 रिवोल्यूशन करता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो लिखेंगे इन 1 रिवोल्यूशन इट मेक्स एंगल ऑफ
360 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है इन वन रिवोल्यूशन। अब वो एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है जी, ये तो हो गया मेरा पहला रिलेशन, ठीक है, सॉल्यूशन में जाता है। अब बोला एक मिनट में, इन वन मिनट व्हील मेक्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लिख रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है जी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 180, एक मिनट में 180 रिवोल्यूशन है, तो एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होगा, एक मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड्स में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 160 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 60 सेकंड्स में, तो 1 सेकंड्स में कितना होगा 180 बटा 60 काटेंगे कितना आएगा बाबू 3, ठीक है 3 आ गया। अब ये 1 सेकंड में 3 रिवोल्यूशन कर रहा है, और इन 1 रिवोल्यूशन हम यहां लिखा है, इन 1 रिवोल्यूशन इट मेक्स एन एंगल 2 पाई मतलब 360 डिग्री, डायरेक्ट हम रेडियन में निकाल रहे हैं, एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री यानी 2 पाई बनाता है, और एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हुआ 3, तो बेसिकली जो हमारा निकालेंगे इन थ्री रिवोल्यूशन इट विल मेक 2 पाई इनटू 3 दैट इज 6 पाई, तो हमारा जो एंगल हो गया बाबू मेरा वो 6 पाई रेडियन मेरा आंसर हो गया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक मिनट में 180 रिवोल्यूशन कर रहा, तो बताइए एक सेकंड में जितना रिवोल्यूशन करेगा उसमें कितना एंगल बनाएगा, तो एक मिनट में 180 रिवोल्यूशन था, 60 सेकंड में 180, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो एक सेकंड में कितना करेगा, तो 180 बटा 60 यानी 3 रिवोल्यूशन करेगा, 3 रिवोल्यूशन एक सेकंड में। अब उस एक सेकंड में जितना भी रिवोल्यूशन किया उसमें कितना एंगल बनाया, तो एक बार रिवॉल्व किया तो 2 पाई यानी 360 बनाया, दो बार रिवॉल्व किया तो फिर भाई 2 पाई में 2 पाई ऐड हो गया, फिर तीन बार किया तो फिर 2 पाई ऐड हो गया, इसलिए आ गया कितना 6 पाई। छापिए इसको और कुछ होमवर्क दे देते हैं, बनाइएगा, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, छापिए। नाउ दिस इज योर होमवर्क बच्चा, ठीक है, इसका आपका होमवर्क है, इसको बनाइएगा, यहाँ इस सबका आंसर बगल में लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको मैच करने में आसानी हो, आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर करेक्ट आ जाएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा फिर उसको कोशिश करिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओके।